पापा जी, क्या हमारी गरीबी कभी खत्म नहीं होगी? क्या हमें पूरे जीवन ऐसे ही आधे पेट खाकर व्यतीत करना होगा? अरे भाग्यवान, मैं लकड़ी काटने बेचने के अलावा और कर भी कह सकता हूँ। देखते हैं, यदि कभी हमारे जीवन में सुख लिखा हो तो वह सुख हमें जरूर मिलेगा। अच्छा भाग्यवान, अब मैं चलता हूँ, मेरा लकड़ियाँ लेने जाने का समय हो गया है। अरे मेरे प्यारे गधे, चलो अब हमारा लकड़ियाँ लाने का समय हो चुका है। इतना कहकर लकड़हारा अपने गधे को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। मेरे हिसाब से यही पेड़ ठीक रहेगा, चलो इसे ही काट लेता हूँ। लकड़हारा जल्दी से लकड़ियाँ काट कर अपने गधे पर लाद लेता है और घर की तरफ निकल पड़ता है। पानी पानी पानी, मेरी सहायता करो। अरे ये किसकी आवाज है? मुझे लगता है कोई तकलीफ में है, चलो चलकर देखता हूँ। लकड़हारा जल्दी से उसी ओर जाने लगता है जिस ओर से वह आवाज आ रही थी। पानी पानी पानी, मेरी सहायता करो। अरे ये क्या, ये तो एक तोता है, लेकिन यह तो पूरी तरह जख्मी हो चुका है। मैं ऐसा करता हूँ, इसे भी अपने साथ ही ले चलता हूँ। लकड़हारा जल्दी से उस तोते को उठा लेता है और उसे भी अपने साथ ले जाता है। अरे भाग्यवान, तुम जल्दी से हल्दी और चूने का लेप लेकर आओ, मुझे इस तोते के जख्मों पर उस लेप को लगाना है। लकड़हारे की पत्नी तुरंत ही हल्दी और चूने का लेप लेकर आती है। लकड़हारा तुरंत ही उस तोते के जख्मों पर उस लेप को लगाने लगता है। अरे तोता भाई, मैंने तुम्हारे जख्मों पर दवाई लगा दी है, अब तुम जल्दी ही स्वस्थ हो जाओगे। इस प्रकार तोता एक दो दिनों में ही पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। चलो आज तो इसी झोपड़ी में ही चोरी कर लेता हूँ, हो सकता है इस झोपड़ी में ही मुझे कुछ काम की चीज मिल जाए। इतना कहकर वह चोर उस झोपड़ी में घुस जाता है। तभी वह तोता उस चोर को देख लेता है। अरे मालिक जल्दी से उठिए, देखिए चोर आ गया। अरे मालिक जल्दी उठो। अरे मालिक जल्दी से उठिए, देखिए चोर आ गया। अरे मालिक जल्दी उठो। अरे वाह, यह तोता तो बोलता भी है, तो क्यों ना मैं इसी तोते को ही पकड़ ले जाता हूँ। बाजार में तो इसकी कीमत अच्छी मिलेगी, और तो कुछ इस झोपड़ी में दिख भी नहीं रहा है। इतना सोचकर चोर तुरंत ही तोते का पिंजरा उठाता है और वहाँ से भाग जाता है। चोर को चलते चलते रात से सुबह हो जाती है। ओहो, मैं तो रात भर चलते चलते कितना थक गया हूँ। चलो ऐसा करता हूँ, थोड़ा इसी पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ, फिर सोचूंगा इस तोते का क्या करना है। इतना सोचकर चोर उसी पेड़ के नीचे लेटकर सो जाता है। तभी वहाँ से एक राजा अपने घोड़े पर सवार होकर निकलता है। महाराज मुझे बचा लीजिए, मेरी रक्षा कीजिए महाराज, नहीं तो यह चोर मुझे मार डालेगा। अरे ये कौन है जो मुझे मदद के लिए पुकार रहा है, लेकिन आसपास तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। अरे महाराज उधर नहीं, इधर नीचे देखिए महाराज, मैं इधर हूँ। महाराज मुझे बचा लीजिए, यह चोर मुझे उठाकर ले जा रहा है। अरे वाह, यह तोता तो बोल भी सकता है, चलो मैं इस तोते को खरीद लेता हूँ, यह तोता मेरी पुत्री को बहुत पसंद आएगा।
अरे ओ चोर, चल अब उठ जा, और कितना सोएगा तू? मम्मा महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की, मुझे कुछ मत करना महाराज। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, तुम यह तोता मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले 100 सोने की मोहरे दूंगा। राजा की यह बात सुनकर चोर बहुत खुश हो जाता है। लेकिन याद रहे, मैं तुम्हें ये मोहरे तभी दूंगा यदि तुम आज से चोरी करना छोड़ दोगे। यदि ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें कारागार में डाल दूंगा। नहीं नहीं महाराज, मैं आज के बाद कोई चोरी नहीं करूंगा। राजा तुरंत ही उस चोर को 100 सोने की मोहरे दे देता है और तोते का पिंजरा लेकर वहाँ से चला जाता है। अरे राजकुमारी, तुम कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। अरे पिताजी, यह तोता तो कितना सुंदर है। हाँ पुत्री, यह कोई ऐसा वैसा तोता नहीं है, यह तोता इंसानी भाषा को बोल और समझ सकता है। फिर तो यह एक अद्भुत तोता है। पिताजी, आज से मैं इस तोते को अपने साथ ही रखूंगी। राजकुमारी रोज उस तोते को अच्छे अच्छे पकवान खिलाती, लेकिन तोते को उस लकड़हारे की बहुत ज्यादा याद आती रहती थी। अरे मेरे प्यारे तोते, मैं तुम्हें कुछ भी खिलाती हूँ, तुम उसे सही ढंग से क्यों नहीं खाते हो? क्या बताओ राजकुमारी जी, मुझे इस पिंजरे में कैद हुए पूरा 1 महीना हो चुका है। मेरा मन भी आकाश में उड़ने को कर रहा है, लेकिन मैं इस पिंजरे में कैद हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा ऐसी बात है, तो फिर चलो मेरे साथ, आज मैं तुम्हें बाहर की सैर करा के लाती हूँ। राजकुमारी तोते को जंगल में ले जाती है और उसे पिंजरे से बाहर निकाल देती है। फिर तोता आसमान में उड़ने लगता है। अरे ये क्या, ये पेड़ इतना चमक क्यों रहा है? क्या यह पेड़ कोई जादुई पेड़ है? अरे राजकुमारी जी, उधर देखिए, यह पेड़ इतना चमक क्यों रहा है? क्या यह कोई जादुई पेड़ है? अरे हाँ, मुझे तो लगता है यह कोई जादुई पेड़ ही है, चलो इसके पास चलते हैं। राजकुमारी तथा वह तोता दोनों उस वृक्ष के पास जाते हैं। राजकुमारी जैसे ही उस वृक्ष को स्पर्श करती है, तभी वह उस वृक्ष में समा जाती है। यह देखकर तोता हैरान हो जाता है। अरे राम राम राम, ये क्या हुआ? राजकुमारी तो पेड़ के अंदर चली गई। मुझे जल्दी से यह खबर राजा को देनी होगी। अरे ये मैं कहाँ आ गई? ये कौन सी जगह है? तभी एक बड़ा सा बाज राजकुमारी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अरे यह बाज तो कितना विशाल है, इतना बड़ा बाज तो मैंने आज तक नहीं देखा। तभी वह बाज राजकुमारी को अपने पंजे में दबाकर उड़ जाता है। अरे दुष्ट बाज, मुझे छोड़ दे, तू मुझे कहाँ ले जा रहा है? वह बाज राजकुमारी को एक गुफा के भीतर ले जाता है, जहाँ एक डायन खड़ी होती है। अरे कौन है आप, और मुझे इस प्रकार यहाँ क्यों लाया गया है? मुझे छोड़ दो, मुझे वापस जाने दो। चली जाना, इतनी जल्दी किस बात की है? तुम इस समय पाताल लोक में हो, यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। तुम यहाँ से तभी बाहर जा सकती हो जब मैं चाहूँगी। यदि तुम यहाँ से बाहर जाना चाहती हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बोलिए, आप क्या काम करवाना चाहती हैं? राजकुमारी जी, तुम्हें मेरे लिए अमृत लाना होगा। लेकिन ये अमृत कहाँ मिलेगा? ये अमृत तुम्हें रंगी कंचन की पहाड़ियों में मिलेगा। लेकिन ये पहाड़ी कहाँ पर है? फिर वह डायन राजकुमारी को अमृत लाने का रास्ता बताती है। वह डायन अमृत पीकर अमर होना चाहती थी और पूरी दुनिया पर राज करना चाहती थी। उस डायन ने उस विशाल बाज को अपने वश में कर रखा था, जिससे वह सारे काम करवाती थी। डायन की ये सारी बातें सुनकर राजकुमारी वहाँ से अमृत लाने के लिए चल पड़ती है।
राजकुमारी अमृत ढूंढते ढूंढते उन्हें पहाड़ियों पर पहुंच जाती है जहां पर अमृत था। मुझे लगता है इसे गुफा में ही अमृत होगा, चलो इसके अंदर चलती हूँ। राजकुमारी जैसे ही गुफा के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है तभी एक जहरीला सांप राजकुमारी को डस लेता है और राजकुमारी की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। महाराज यह वही पेड़ है जिसमें राजकुमारी समा गई है। ठीक है तोते, तुम यहीं पर रुको, मैं इस पेड़ के अंदर अकेला ही जाऊंगा। राजा जैसे ही पेड़ को हाथ लगाता है तो वह भी उसी पेड़ के अंदर चला जाता है। तभी वही बाज फिर से आता है और राजा को भी उठाकर उसी डायन के पास ले जाता है। कौन है आप और मुझे यहाँ पर इस प्रकार लाने का क्या कारण है? मेरी राजकुमारी कहाँ है? अरे महाराज आप चिंता ना करिए, आप जल्दी ही अपनी राजकुमारी से मिलेंगे, उससे पहले आपको मेरा एक काम करना होगा। ठीक है डायन, मुझे जल्दी से बताइए, मैं तुम्हारे लिए क्या काम कर सकता हूँ। फिर वह डायन राजा से भी उसी अमृत को लाने की बात कहती है। ठीक है डायन, मैं तुम्हें वह अमृत लाकर दे दूंगा, लेकिन मेरी पुत्री को कुछ नहीं होना चाहिए। इतना कहकर राजा अमृत लाने के लिए चल पड़ता है। राजा चलते चलते उसी गुफा के पास पहुंच जाता है जहां पर उसकी पुत्री की लाश पड़ी हुई थी। अरे ये क्या, ये तो राजकुमारी पड़ी है, लेकिन मेरी पुत्री को क्या हुआ? हे भगवान, मेरी पुत्री को तो किसी जहरीले सर्प ने डस लिया है। इसका मतलब उस दुष्ट डायन ने मेरी पुत्री से भी वो अमृत लाने को कहा होगा। अब मैं उस डायन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे लगता है इस गुफा में कोई जहरीला सर्प भी है, मुझे ध्यान से आगे बढ़ना होगा। इतना कहकर राजा राजकुमारी को वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस गुफा में आने की? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सर्प जैसे ही राजा को डसने के लिए आगे बढ़ता है, राजा तुरंत अपनी तलवार से सर्प के दो टुकड़े कर देता है। दुष्ट, तूने ही मेरी पुत्री को मारा है, मैं भला तुझे जिंदा कैसे छोड़ सकता था। इतना कहकर राजा गुफा में आगे बढ़ता है। राजा जैसे ही आगे बढ़ता है तभी एक तीर बहुत ही तेज रफ्तार से राजा को छूकर निकल जाता है। तभी राजा अपने कदम पीछे ले लेता है। अरे ये क्या, इस गुफा में तो तीर की वर्षा होने लगी, अब क्या करूं, अमृत तक कैसे पहुंचूं? फिर राजा तीर चलने की प्रक्रिया को ध्यान से देखता है। अरे ये क्या, जब एक तीर इस दिशा से उस तरफ जाता है तभी दूसरा तीर उस दिशा से इस तरफ आता है। इसका मतलब यदि मैं एक एक कदम आगे बढ़ाऊं तो मैं अमृत तक पहुंच सकता हूं। इस प्रकार राजा अपने बुद्धि के बल पर उस चुनौती को भी पार कर जाता है। अरे वो रहा अमृत, चलो जल्दी से अमृत को ले लेता हूं। मैं ऐसा करता हूँ, पहले मैं इस अमृत को अपनी पुत्री को पिलाता हूँ। ये सोचकर राजा अपनी पुत्री को अमृत पिलाता है। अमृत पीते ही उसकी पुत्री जीवित हो जाती है। अरे पिताजी आप यहाँ पर कैसे आ गए? पुत्री मैं तुम्हें लेने आया हूँ, अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं यहाँ पर आ गया हूँ। फिर वह राजा उस अमृत को खुद भी पी लेता है और बाद में बचा हुआ अमृत उस सर्प के मुंह में डाल देता है। अमृत मुंह में पड़ते ही सर्प भी जीवित हो जाता है। फिर वह राजा उस सर्प को अपनी पूरी कहानी सुनाता है। मैंने तुम्हें इसलिए जीवित किया है ताकि तुम फिर से इस अमृत की रक्षा करो। महाराज मैंने आपको पहचानने में भूल कर दी, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज।
अरे नहीं नहीं सर्पदेव, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यह तो तुम्हारा फर्ज था। अच्छा अब मैं चलता हूँ। राजा उस बोतल में अमृत के स्थान पर एक तालाब से साधारण जल भर लेता है और डायन के पास पहुंच जाता है। ये लीजिए डायन, मैं तुम्हारे लिए अमृत लेकर आ गया हूँ, अब मुझे बाहर जाने का रास्ता बता दीजिए। अरे वाह राजा, तुम तो कितने बहादुर हो, यह अमृत आज तक कोई नहीं ला सका, जो भी गया वह लौट कर नहीं आया और तुम तो अमृत लेकर आ गए। चलो चलो जल्दी से मुझे यह अमृत दे दो। राजा तुरंत ही उस डायन को वह पानी से भरी हुई बोतल दे देता है। डायन तुरंत ही उस पानी को अमृत समझकर पी जाती है। हे डायन, मैंने आपके कहे अनुसार आपको अमृत लाकर दे दिया, अब मुझे बाहर जाने का मार्ग बता दीजिए। इतनी भी जल्दी क्या है, अब मैं अमर हो चुकी हूँ, अब तुम दोनों यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, आज से तुम दोनों भी मेरे गुलाम हो। अरे डायन, ये तो सरासर धोखा है, मुझे यहाँ से जाने का मार्ग बताओ, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। अरे मूर्ख राजा, अब मैं अमर हो चुकी हूँ, अब तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर ये ले मेरे इस तलवार के वार को झेल। इतना कहकर राजा उस डायन के पेट में तलवार घुसा देता है। ये क्या हो गया, मैं तो अमर हो गई थी, इसका मतलब तूने मेरे साथ धोखा किया है। पानी पीकर खुद को अमर समझने वाली उस डायन की मृत्यु हो जाती है। डायन के मरते ही वह बाज आजाद हो जाता है। महाराज आपकी जय हो, आप तो बहुत वीर और बुद्धिमान हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, जो आपने मुझे इस डायन की गुलामी से आजाद करा दिया। हे बाज, क्या तुम यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता जानते हो? जी महाराज, आप दोनों हमारे पीठ पर बैठ जाइए, मैं अभी आपको बाहर ले चलता हूँ। दोनों ही बाज की पीठ पर बैठ लेते हैं और बाज उन दोनों को लेकर एक दरवाजे के पास जाता है। महाराज, इसी दरवाजे के बाहर आपकी दुनिया है, यहीं से आप बाहर जा सकते हो महाराज। राजा तथा राजकुमारी दोनों बाज का धन्यवाद करते हैं और उस दरवाजे से बाहर चले जाते हैं। तोते, यदि आज तुम ना होते तो मैं कभी भी अपनी पुत्री को नहीं पा सकता था, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, आज तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। महाराज, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं, तो मुझे 1000 सोने की मोहरे देकर आजाद कर दीजिए। राजा ने ऐसा ही किया, तोते को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर उसे विदा कर दिया। तोता वहाँ से उड़कर सीधा उसी लकड़हारे के पास पहुँच जाता है। मालिक देखिए मैं आ गया और आपके लिए कुछ उपहार भी लेकर आया हूँ। लकड़हारा जैसे ही उस पोटली को खोलकर देखता है तो उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के देखकर वह बहुत खुश हो जाता है और फिर वे तीनों मिलकर खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।